सिरसा के एक सांध्य दैनिक अखबार में कल कोरोना मरीजों को 2000 रुपए लेकर घर भेजने की खबर छापी गई थी। उसको लेकर आज सिरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने कहा कि जो 2000 रुपए लिए जा रहे हैं वह सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाए जा रहे हैं। जो मरीज घर पर आइसोलेट है उन्हें कुछ सामान दिया जा रहा है, जब वो वापस जमा करवा देंगे तब उन्हें यह राशि वापस दी जाएगी। जब किट दी जा रही थी उनको, शुरू में ये निर्णय हुआ था कि उसके अंदर पल्स ऑक्सीमीटर है, 2 थर्मामीटर है, वो मास्क थे, मास्क रीयूजेबल नहीं थे, लेकिन ये जो दो चीज़ें दी जा रही थी, दो चीज़ों को वापस करने के लिए जो रिम्बर्सेबल जो 2000 का अमाउंट लिया जा रहा था कि आप जब आएंगे ठीक होकर के तो ये दोनों चीज़ें वापस जमा करा दें डिपार्टमेंट में और 2000 रुपये अपने वापस ले जाएं। सिंपल ये वास्ता था, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से एक छोटे से अखबार ने पेश किया है और उस अखबार के खिलाफ कार्रवाई MS ने करवा दी है। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कोई किसी अफसर के अकाउंट में जाती है, ना पेशेंट के अकाउंट में कुछ जाता है। हम इलाज कर रहे हैं, टोटल फ्री कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, टोटल फ्री कर रहे हैं। वो तो आप पहले भी बहुत पुरानी खबर है, ये स्वास्थ्य विभाग को पैसे मिलते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। सारा ICMR से ये रिपोर्ट जनरेट होती है, सारा डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद वॉच करती है और हमारा स्टेट हेडक्वार्टर वॉच करता है, जिसके जो इंचार्ज हैं ACS श्री राजीव अरोड़ा जी हैं, सीनियर मोस्ट IAS हैं, और वो देख रहे हैं। पैसा कमाने के लिए सरकार नहीं होती, सरकार सेवा के लिए होती है और जो की जा रही है। हाँ, लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करूँगा कि आप खामखा की अफवाह ना फैलाएं और जो सत्य ये है कि आकर के आप सहयोग करें और कोरोना से आप खुद को मुक्त करें और अपने परिवार को मुक्त करें, तभी हम सिरसा को मुक्त कर पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर उन्होंने कहा कि आज भी 17 नए मामले सिरसा में आए हैं। अब तक कुल 723 कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। उन्होंने फिर आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग सहयोग करें, लेकिन लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। आज जिला सिरसा में 17 नए केस कोरोना के पॉजिटिव आए हैं और कुल मिला के अगर हम देखें अब तक 723 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। और ये जो केसेस हैं, ये संक्रमण आपस में अपने परिवार को संक्रमित कर रहे हैं और समाज को संक्रमित कर रहे हैं। लगभग केसेस कंटेनमेंट जोन से और परिवार से ही निकले हैं। 12 सदस्यों का एक परिवार इलाहाबाद में पॉजिटिव आया, 5 सदस्यों का यहाँ सिरसा में कोर्ट कॉलोनी में आया पॉजिटिव। तो इस तरह से ये संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शिवनगर डबाली के अंदर 8 सदस्य पॉजिटिव आए। तो इसमें लोग आज की डेट में डरना बिल्कुल छोड़ चुके हैं और सहयोग नाम की कोई चीज़ नहीं है। डबाली के अंदर हमने देखा कि वो पीछे से अपने बच्चों को भगा दिया और उन बच्चों को जाकर के चंडीगढ़ छोड़ा है। तो इस तरह का सहयोग लोग कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस महामारी को स्वास्थ्य विभाग अकेले कैसे रोकेगा जब तक सभी का साथ नहीं होगा। बिल्कुल कार्रवाई बनती है, बिल्कुल कार्रवाई बनती है, हम पुलिस को सूचित करते हैं, लेकिन पुलिस कितनों को पकड़ेगी बार बार जाकर के? पीछे पुलिस का एक सिपाही भाग गया था यहाँ से। अब पुलिस के पास में जो कंटेनमेंट जोन जो हैं, इतने कंटेनमेंट जोन बने पड़े हैं, उसमें पुलिस लगी हुई है। पुलिस क्या क्या काम करे, कानून व्यवस्था को भी देखना है पुलिस ने। अभी तो लोगों को देखना है कि वो अपनी जांच आगे आ करके करवाएं। उनके फायदे के लिए हम कर रहे हैं, हम होम आइसोलेशन भी कर रहे हैं। और अब अगर हम देखें, रिकवर जो हमारे मरीजों ने किया है, वो 367 मरीजों ने रिकवर भी कर लिया है। अब इसमें डरने की कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आगे भी आए, हालांकि डेथ भी हुई है, 7 डेथ हो चुकी हैं जिले के अंदर, जिसके अंदर 32 साल की उम्र भी है, बड़े भी हैं, लेकिन लोगों को कोई असर नहीं है। अगर अब देखें टोटल जो एक्टिव पेशेंट आज की डेट में है वो 349 है। 349 में से 172 होम आइसोलेशन में है और 177 हमारे पास एडमिट हैं, वो अपना इलाज करा रहे हैं। लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि धैर्य बनाए रखें और आप प्रशासन का साथ दें। हम आपकी सेवा कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर खुद एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट पॉजिटिव आई बैठी हैं अपने घर पर। हम खुद लोग रिस्क में आकर के हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। कुछ फर्ज आपका भी बनता है कि आप आगे आकर के अपनी जांच करवाएं। अब कई सदस्य अपनी कार में आते हैं, बाद में कहते हैं एम्बुलेंस में लेके जाओ। एम्बुलेंस तो हमारे पास सीमित ही है ना। अब किसी को मरीज को छोड़ने गई है तो एम्बुलेंस लेट हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन लोग जिद करते हैं कि हमें एम्बुलेंस में छोड़ के आओ, हम तो सरकारी मेहमान हैं।
तो इस तरह का अगर रवैया है वो लोगों का नहीं होना चाहिए।